आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं SR लैच यूजिंग NAND गेट। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक NAND गेट ड्रॉ करते हैं। ये मेरा इनपुट A है, इनपुट B, आउटपुट Y। इसका अगर ट्रुथ टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं A इनपुट A है, इनपुट B है, आउटपुट Y, 01010011। जब 00 इनपुट रहेगा तो आउटपुट हमारा 1 आएगा, जब 01 इनपुट रहेगा तो आउटपुट 1010010। यह हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट मेरा 1 आ रहा है। मतलब कि यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी इनपुट, आइदर कोई भी इनपुट ए बी में कहीं पर भी 0 आ रहा है तो आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम NAND गेट को कह सकते हैं कि अगर कोई भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं एक NAND गेट के लिए, सेकंड NAND गेट यहाँ पर इसका नाम R दिए, इसका नाम S दिए, QN बार। यहाँ हम लोग QN और QN बार लिख रहे हैं, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और क्यों हम लेते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट्स में R और S में कुछ वैल्यू सेट करते हैं। तो R में हम लोग 01 सेट किए हैं और S में 0 सेट किए हैं। ऊपर NAND गेट का प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी इनपुट अगर 0 रहता है तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो ये दोनों NAND गेट में हम लोग इस NAND गेट का आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस NAND गेट का आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, इस NAND गेट का आउटपुट में एक इनपुट 0 है तो आउटपुट इसका क्या होगा, 1 होगा। और ये 1 यहाँ पर इसका आउटपुट, इसका नाम अगर हम G1 और G2 देते हैं तो G2 का आउटपुट कनेक्टेड है G1 के इनपुट से, तो यहाँ पर 1 है तो ये अपीयर होगा यहाँ पर। तो अब G1 का इनपुट क्या हो जा रहा है, 1 1, और 1 1 का आउटपुट क्या होगा, 0। अब ये 0 अपीयर कहाँ होगा, ये G2 के इनपुट पर। तो अभी भी देख सकते हैं हम लोग कि G2 के इनपुट पे 0 और 0 है, जिसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि एक बार अगर हम S और R का वैल्यू 0 और 1 अगर सेट करते हैं तो आउटपुट मेरा क्या सेट हो जाएगा, 0 और 1। ये मेरा एक केस हुआ। इसके बाद हम एक केस कंसीडर करते हैं कि एक फिर हम ड्रॉ करते हैं सेम सर्किट को, ये QN आउटपुट, QN बार, ये मेरा R था, ये S था। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आउटपुट मेरा 0 और 1 सेट हो चुका है। यहाँ हम 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। ये 0 मेरा कहाँ अपेयर हो रहा है, यहाँ अपेयर हो रहा है। ये 1 मेरा कहाँ अपेयर हो रहा है, यहाँ अपेयर हो रहा है। पहले मेरा और R और S का वैल्यू क्या था, 0 और 1 था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट को हम लोग 1 1 ले रहे हैं। हम कह सकते हैं कि S का इनपुट को भी या G2 का इनपुट को भी S को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। तो अब मेरा क्या हो जा रहा है कि अगर G1 के बारे में बात करें तो G1 का इनपुट क्या आ रहा है, G1 में इनपुट 1 और 1 आ रहा है, और G2 में इनपुट क्या आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। NAND गेट का प्रॉपर्टी से अगर देखते हैं कि जब इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 और 1 है तो आउटपुट आ रहा है 1, आउटपुट आ रहा है 1, और जब इनपुट 1 और 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0, 1 और 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0। मेरा पहले भी आउटपुट 0 और 1 था, अब भी आउटपुट 0 और 1 है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि
जब हम 0 और 1 सेट किए हैं S और R का वैल्यू, तो आउटपुट मेरा क्या सेट हो रहा है, 0 और 1। लेकिन उसके जस्ट बाद अगर हम R और S का वैल्यू 1-1 सेट करते हैं, तो जो मेरा पहले आउटपुट सेट हुआ था 0 और 1, एज इट इज वो रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इसे अगर हम इस तरह लिखे टेबल के फॉर्म में, तो S इक्वल टू 0 लिखेंगे, R इक्वल टू 1, Qn का वैल्यू क्या आ रहा है 0, Qn बार का वैल्यू क्या आ रहा है 1, S का वैल्यू हम चेंज किए 1, R का वैल्यू चेंज किए 1, तो Qn का वैल्यू एज इट इज कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 0, Qn बार का वैल्यू क्या आ रहा है 1। यहाँ हम कह सकते हैं कि मेरा क्या कंडीशन है, नो चेंज कंडीशन है, इस कंडीशन में मेरा कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, और इस कंडीशन में जो पहले जो सेट किए हुए हैं वही एज इट इज रिटर्न कर रहा है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में सेम सर्किट को फिर ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट इनपुट्स को लेके देखते हैं कि आउटपुट्स मेरा क्या आ रहा है। ये मेरा सर्किट है, ये Qn है, ये Qn बार, ये R, S। अब हम यहाँ पर R के वैल्यू 0 सेट कर रहे हैं और S का वैल्यू 1 सेट कर रहे हैं। ये मेरा G1 था, ये मेरा G2 था। यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या कि G1 और G2 में हम लोग G1 का आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, G2 का आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जब कोई भी इनपुट अगर 0 है तब आउटपुट मेरा 1 प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम NAND गेट का प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लगाते हैं, तो इसका आउटपुट मेरा 1 आएगा। और ये 1 कहाँ अपीयर हो रहा है, यहाँ। क्यों अपीयर हो रहा है, कि ये मेरा कनेक्टेड है, G1 का आउटपुट कनेक्टेड है G2 के इनपुट से। अब G2 के इनपुट में मेरा 1 और 1 आ रहा है, तो आउटपुट क्या सेट हो जाएगा, 1। ट्रुथ टेबल हम देख सकते हैं ऊपर में NAND गेट का। तो अब ये 1 कहाँ अपीयर हो रहा है, ये 1 अपीयर हो रहा है, ये 0 कहाँ अपीयर हो रहा है, ये 0 अपीयर हो रहा है G1 के इनपुट पर। तो G1 का इनपुट ऊपर अब क्या आ रहा है, 0 0। आउटपुट क्या ही रहेगा, जैसे पहले था 1, एज इट इज 1 रहेगा। मतलब कि S और R का वैल्यू 1 और 0 सेट कर रहे हैं, तो आउटपुट का वैल्यू मेरा 1 और 0 सेट हो जा रहा है। ऊपर के कंडीशन हम लोग देखे हैं क्या कि 1 1 को हम लोग नो चेंज कंडीशन कहते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ वैलिड हो रहा है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सर्किट को ड्रॉ करेंगे। ये मेरा Qn है, ये मेरा Qn बार है, ये मेरा 1 सेट हो चुका है ऊपर, ये मेरा सेट 0 हो चुका है, ये मेरा R है, S है। ऊपर में 0 1 और 0 सेट किए थे S और R के वैल्यू, अब क्या कर रहे हैं, इसको हम 1 और 1 कर रहे हैं। ये मेरा 1 अपीयर कहाँ हो चुका है, यहाँ पर। ये 0 कहाँ अपीयर हो चुका है, यहाँ पर। अब G1 के इनपुट में 1 और 0 मिल रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं NAND गेट का प्रॉपर्टी से कोई भी इनपुट अगर 0 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। G2 के इनपुट पर 1 और 1 अपीयर हो रहा है, इसलिए आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। हम पहले भी देख चुके हैं कि आउटपुट मेरा क्या था, 1 और 0 था। अब भी मेरा आउटपुट क्या रह रहा है, 1 और 0 रह रहा है। मतलब कि इसे अगर हम टेबल में लिखे तो हम कह सकते हैं कि S का वैल्यू 1 सेट हो रहा है, R का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो Qn का वैल्यू मेरा 1 सेट हो रहा है और Qn बार का वैल्यू मेरा 0 सेट हो रहा है। इसके जस्ट बाद अगर S और R दोनों का वैल्यू अगर हम लोग 0 और 1 से चेंज करके 1 1 करते हैं, तो जैसा मेरा पहले आउटपुट सेट हुआ था एज इट इज, अब भी आउटपुट मेरा सेम रह रहा है। इसको भी हम कह सकते हैं नो चेंज कंडीशन है। तो अभी ये दोनों कंडीशन, दोनों केसेस को डिस्कस करने से हमको ये मालूम चला है कि S और R का वैल्यू कुछ भी सेट करते हैं, 0 1 या 1 0 सेट करते हैं, उसके जस्ट बाद S और R का वैल्यू अगर 1 1 करते हैं, तो जो मेरा प्रीवियस वैल्यू था उसी वैल्यू को रिटर्न किया करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। हम थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में हम लोग फिर सर्किट ड्रॉ करते हैं, NAND गेट। ये मेरा R है, ये मेरा S, Qn, Qn बार।
हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग तीन केस को डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ केस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे कि एस और आर दोनों के वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो जीरो ले रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि नैंड गेट का प्रॉपर्टी से अगर कोई भी इनपुट अगर मेरा नैंड गेट का अगर जीरो है तो आउटपुट मेरा क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस कंडीशन से हम देख सकते हैं क्या कि ऐसा कहना कि ये आउटपुट दोनों कॉम्प्लीमेंट होता है, ये गलत है। आउटपुट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो कॉम्प्लीमेंट के केसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन आउटपुट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अगर जीरो है तो ये वन ही रहेगा, ये वन रहेगा तो ये जीरो रहेगा। क्योंकि इस केस में हम लोग का दोनों क्या आ रहा है, आउटपुट क्यूएन और क्यूएन बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और वन वन आ रहा है। इसके जस्ट बाद हम लोग एक केस को कंसिडर करते हैं कि ये मेरा सेम सर्किट को ड्रॉ करते हैं और ऊपर जैसे हम लोग देखे हैं कि नो चेंज का कंडीशन हमारा आ रहा था जब हम कोई वैल्यू सेट कर दे रहे थे और सेट करने के बाद मेरा वन वन वैल्यू अगर हम सेट कर रहे थे तो मेरा कोई भी आउटपुट में चेंजेस नहीं आ रहा था। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करना चाहेंगे कि नो चेंज कंडीशन हम वन वन को कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट पहले से क्या आया हुआ है, जीरो, आउटपुट क्या आया हुआ है, वन और वन आया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वन और वन इनपुट दे रहे हैं। तो हम वन वन दे रहे हैं क्योंकि हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि वन वन मेरा नो चेंज कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस कंडीशन में हम लोग लेके चल रहे हैं कि ये मेरा जीवन गेट है जो वो फास्ट है। तो ये मेरा वन अपेयर कहाँ हो रहा है, यहाँ। ये मेरा वन कहाँ अपेयर हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो अब इस दोनों नैंड गेट का इनपुट्स में वन वन है। अगर ये नैंड गेट अगर फास्ट है तो इसका आउटपुट पहले अपीयर होगा। तो अगर ये दोनों अगर इनपुट वन वन है तो ये आउटपुट वन वन के चलते क्या हो जाएगा, ये आउटपुट वन से चेंज होके जीरो आ जाएगा। तब क्यूएन में मेरा क्या सेट हो गया है, जीरो सेट हो गया है। ये क्यूएन मेरा कहाँ अपीयर हो रहा है, ये जी टू गेट का इनपुट में अपीयर हो रहा है। तो अब मेरा ये जो पहले वन था वो चेंज होके क्या हो जा रहा है, जीरो। अब G2 के इनपुट में क्या आ जा रहा है, जीरो और वन। तो आउटपुट क्या सेट हो जा रहा है, वन। ये वन में फिर मेरा फिर अपीयर हो रहा है यहाँ पर ही G1 के इनपुट में, पहले भी वन था और अब भी वन है। और वन वन का आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो और वन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पहले सेट किए हुए हैं वैल्यू जीरो जीरो तो आउटपुट वन और वन आ रहा है। उसके जस्ट बाद अगर हम वन वन सेट कर रहे हैं, नो चेंज कंडीशन को सेट कर रहे हैं, तो आउटपुट मेरा चेंज होकर क्या आ जा रहा है, जीरो और वन आ जा रहा है। इसके बाद एक और कंडीशन को हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट अपोजिट जैसा ऊपर जीवन को फास्टर लिए थे, अब हम यहाँ पर जी टू को फास्ट लेंगे। ये आर, ये एस, ये क्यूएन, ये क्यूएन बार, ये मेरा ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वन वन सेट हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही वन और वन सेट कर देंगे। इस पर क्या ले रहे हैं, जी टू को हम लोग फास्ट ले रहे हैं। ये इनपुट में वन और वन सेट किए हैं। ये मेरा वन कहाँ अपीयर हो रहा है, यहाँ। ये मेरा वन कहाँ अपीयर हो रहा है, यहाँ। अगर G2 फास्ट है तो G2 का आउटपुट पहले आएगा। तो ये मेरा 1-1 अगर आ रहा है अगर G2 के इनपुट के चलते, तो ये मेरा 0 से 1 से चेंज होकर क्या आ जा रहा है, 0। तो अब Qn बार क्या आ जा रहा है, मेरा 0 आ जा रहा है। Qn बार 0 आ जा रहा है तो ये 0 कहाँ अपेयर हो रहा है, यहाँ पर अपेयर हो रहा है। तो 1 और 0 के अगर इनपुट अगर हम 1 और 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, मेरा हाई आएगा। तो मेरा पहले भी वन आया था और अब भी क्या आएगा, इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं कि अब भी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ये अपीयर कहाँ होगा, फिर ये जी टू के इनपुट में हो रहा है। पहले भी मेरा वन था और अब भी मेरा वन आ रहा है। तो वन वन का आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों केस में कि एक केस में मेरा क्या आ रहा है, आउटपुट जीरो और वन आ रहा है, और एक केस में आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा वन और जीरो आ रहा है। तो इस दोनों केस में हम देख सकते हैं कि मेरा नो चेंज कंडीशन जो हम लोग वन वन को लेके चले थे वो कंडीशन नहीं रहा। ये डिपेंड किस पर हो जा रहा है कि
इनपुट्स अगर हम किसी NAND गेट का अगर G1 और G2 के बारे में बात करें तो G1 और G2 जैसा जो फास्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट सेट हो जा रहा है। मतलब कि ये हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे G1 फास्टर है या G2 फास्टर है। ये पॉसिबल नहीं है कि G1 या G2 फास्टर है उस चीज़ को हमेशा किसी सर्किटरी में कौन सा गेट फास्टर है उसके प्रोसेसिंग टाइम को कैलकुलेट करके हम लोग ये बताएं कि किस गेट का आउटपुट पहले अपीयर होगा और उसके चलते मेरा आउटपुट क्यूएन या क्यूएन बार क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा 1-1 का कंडीशन जिसको नो चेंज कंडीशन ले रहे थे वो नो चेंज कंडीशन मेरा फुलफिल होगा अगर इस दोनों कंडीशन को हम लोग ना लेके चले, क्योंकि इस दोनों कंडीशन में मेरा 1-1 के चलते क्या हो रहा है आउटपुट चेंज हो रहा है। अगर हम लोग इस चीज को अगर ट्रुथ टेबल में अगर शो करना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं ट्रुथ टेबल 4 1-bit मेमोरी सेल यूजिंग NAND गेट। यहाँ पर हम ले सकते हैं ये S, ये R, ये QN, ये QN bar, इसे 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 में मेरा आउटपुट क्या आ रहा था। 0 0 को अगर हम देखें तो ऊपर में हम देख सकते हैं कि 0-0 कंडीशन अगर हम यहाँ पर दिए हैं तो ये मेरा रेस कंडीशन आ रहा है। रेस क्यों आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कौन सा गेट मेरा फास्टर है। इसको हम कह सकते हैं आउटपुट मेरा क्या होगा, रेस होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा गेट मेरा फास्टर है। जब 0 और 1 अगर सेट कर रहे हैं तो आउटपुट मेरा क्या सेट हो रहा है, 0 और 1। जब 1 और 0 सेट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, 1 और 0। और जब 1-1 सेट कर रहे हैं तो जो मेरा पहले वैल्यू था वो मेरा अभी रिटर्न कर रहा है। ये हो जाएगा सेम एज प्रीवियस, ये मेरा ट्रुथ टेबल हो गया SR NAND latch और लैच का मतलब होता है कि फिक्स करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रुथ टेबल से कि जब S का वैल्यू 0 और 1 सेट कर रहे हैं तो आउटपुट मेरा अगर आउटपुट Q1 को लेके चल रहा है तो आउटपुट मेरा क्या सेट हो रहा है, क्या आ रहा है, 0। जब 1 और 0 लेके चल रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, 1। मतलब आउटपुट मेरा फिक्स हो रहा है, इसीलिए इस सर्किट को हम लोग कहते हैं कि NAND latch।